शिक्षा व्यवस्था की खामियों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज। अंदेशक न्यूज आपके संघर्ष का साथ। साथियों, आज का ये बड़ा समाचार शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। विपक्ष ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था में हो रही अव्यवस्था पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने भाजपा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। मिशन कायाकल्प के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद कर देने के बाद भी सरकार ने अभी तक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाया है। सरकार पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा कर दिया है। बेसिक स्कूल पूंजीपतियों के हाथ में बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। लखनऊ से प्रकाशित ये समाचार विशेष संवाददाता के माध्यम से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। मिशन कायाकल्प के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए फूकने के बाद भी सरकारी स्कूलों के हालात में कोई सुधार नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब उत्तर प्रदेश के 11,000 प्राथमिक विद्यालयों को भी PPP मॉडल पर अपने चहेते पूंजीपतियों को देने की योजना बना रही है, जिससे रहा सा सरकारी नियंत्रण भी नहीं रहेगा। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार परिषदीय स्कूलों में बच्चों के हित में कोई भी व्यवस्था करने में नाकाम रही है। तो साथियों, देखा आपने, विपक्ष ने काफ़ी समय बाद शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। साथियों, यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगा, अखिलेश यादव जी चुनाव से पहले हर रैली में अंदेशक और शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण की बात कर रहे थे। काफ़ी समय बाद उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आवाज़ उठाई है। विपक्ष के रूप में सरकार पर तंज कसे हैं। हम उम्मीद करते हैं अंदेशक और शिक्षा मित्रों की बात भी वो उठाएंगे और उनके नियमितीकरण को लेकर बात करेंगे सरकार से। हम ऐसी ही ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।